बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ भोजपुर के द्वारा आज नवनिर्वाचित महापौर इंदु देवी व उप महापौर पूनम देवी को सम्मानित किया गया। इस दौरान बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ भोजपुर के अध्यक्ष मेजर राणा प्रताप सिंह ने नवनिर्वाचित महापौर इंदु देवी व उप महापौर पूनम देवी को फूलमाला व बुके देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व सैनिकों के साथ साथ वीरांगनाएं भी मौजूद रहीं। वहीं मेजर राणा प्रताप सिंह ने कहा कि जिस तरह जनता ने इंदु देवी को महापौर व पूनम देवी को उप महापौर निर्वाचित किया है, उसी तरह मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जनता के भरोसे पर खरा उतरने के साथ जनता के लिए काम करेंगी और जनता को हर समस्याओं से निजात दिलाएंगी। वहीं नवनिर्वाचित मेयर इंदु देवी ने कहा कि मैं इन वीरांगनाओं के ने जीवन में जो खोया है उनको तो पूरा नहीं कर सकती, लेकिन इनकी जो भी समस्याएं होंगी उसका निदान करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी। पूर्व सैनिकों के साथ शुरू से ही मुझे मिला है। मैं और मेरे पति ललन जी हमेशा से पूर्व सैनिक व वीरांगनाओं का सम्मान करते हुए आए हैं और आगे भी यह अनवरत जारी रहेगा और उनकी हर समस्याओं के निदान के लिए प्रयासरत रहूंगी। वहीं नवनिर्वाचित उप महापौर पूनम देवी ने कहा कि जो हमारे देश की सेवा के लिए अपना सर्वस्व जीवन समर्पित करते हैं उनके लिए मैं हमेशा आगे रहूंगी और उनकी समस्याओं का निदान करना ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। इस मौके पर जगनारायण सिंह, कन्हैया सिंह, रामदयाल सिंह, रामाशंकर राय, पवार पांडे, सुधार राम, अयोध्या सिंह, धनश्याम सिंह, फलदार तिवारी, वीरांगनाओं में फुलकुमारी देवी, मीरा देवी, धन देवी, शांति देवी सहित कई लोग मौजूद रहे। आज हमें बिहार राज्य पूर्व सैनिक के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, ये बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है और मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यहाँ काफी वीरांगनाएं हैं और पुलिस वाले भी हैं, जवान भी हैं, तो क्या कुछ करना चाहिएगा जो वीरांगनाएं हैं? इन वीरांगनाओं को तो सबसे पहले मैं बहुत प्रणाम करती हूँ कि इन्होंने बहुत जीवन में अपना बहुत चीज खोया है। मैं तो वो उनको नहीं दिला सकती हूँ, मगर जो भी इनका समस्याएं होंगी मैं जरूर से जरूर हल करूंगी। ललन जी लगातार इन लोगों के लिए कार्यक्रम करते हैं, आप भी उसी तरीके से कार्य करेंगी निगम में आने के बाद? जी हाँ, मैं भी करूंगी और मेरा बेटा भी करेगा। मेरा बेटा भी यही काम करेगा जो उसके पापा जी करते हैं और उनको यही हम उसके पापा भी यही सिखाते हैं कि जो हमने जो किया है उसको तुमको करते आना है। मैं कभी बताया जाए नौ निर्वाचित होकर आई है, जीत कर आई है, आज बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के द्वारा सम्मानित किया, कैसा लगा? पहले तो मैं भूतपूर्व बिहार राज्य के भूतपूर्व सैनिकों को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। इनका जितना प्यार और सम्मान मुझे मिला बहुत खुशी हुई और जितना ये मुझे सम्मानित किए हैं मुझे खुशी दिए हैं। अपने आप तरफ से बहुत कोशिश करूंगी कि इन लोगों को भी खुश रखूं और इन लोगों के काम और इन लोगों का प्यार मतलब जितना मुझे मिला उन लोगों को प्यार दूं। सम्मानित कार्यक्रम किया गया, क्या कहना चाहूंगा? आज बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ का माहवारी मीटिंग भी था, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हर मंथ में 5 तारीख को मीटिंग होती रहती है। इसी खुशी में हमारी इंदु देवी और पूनम देवी जो मेयर और उप मेयर हमारी हैं, जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट की चुनी गई हैं आरा की, तो हम इन लोगों को बुलाए हुए थे और पूरे देखिए आज गहमा गहमी कैसे है, लग रहा है कि हॉल में जगह नहीं है बैठने के लिए। तो आप हम आज सम्मान किए हैं, मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार से हमारे पूर्व सैनिक और वीरांगनाओं का जो भी आरा में रहने वाले हैं इनको दोनों लोग मिलकर दोनों एक माने ग्रुप बनाकर और आरा को ऐसा बना दें कि लगे कि आरा चमक जाएगा। जिस तरह का डीएम हमारे आए हुए हैं, ललन जी जिस प्रकार से हैं, सरोज जी जिस प्रकार से हैं, दोनों का कल डीएम बहुत नाम ले रहे थे, तो तीनों आदमी लोग मिलकर, क्योंकि विकास ये तीनों को ही करना है, रोडें बन जाए, सड़कें बन जाए, गलियां को बन जाए, गलियों में लाइट लग जाए, सीसीटीवी लग जाए, यही मैं चाहूंगा कि हमारे इंदु देवी और पूनम देवी दोनों लोग करें और हम इन लोगों के पीठ पर आए। आप समझिए कि पूर्व सैनिक इनके बॉडी गार्ड जैसा खड़े रहेंगे पीछे, कोई भी जो आतंकवादी या कोई उस टाइप के आदमी इनको काम करने में अड़चन करेगा तो हम लोग इनके पीछे हैं। और हम पूरे भूतपूर्व सैनिकों से कहते हैं कि आप लोग सभी जगह करें और विकास करें, आरा का विकास हो, हम यही करेंगे।